घर में दाखिल होने जा रहा हूँ और कुछ लेकर आया हूँ। देखते हैं क्या लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए सरप्राइज और एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज। बट सवाल ये है कि उसको कौन से टैंक में डाला जाए, इस वाले टैंक में या इस वाले टैंक में। इस वाले टैंक में मेरे पास ये हिल स्ट्रीम लोज जिसका पेयर घूम रहा है, जो शायद आपको नज़र आ रहा हूँ। तो इस वाले टैंक में मैंने प्लांटेड का और श्रिम्स का सोचा है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि इस वाले टैंक में, क्योंकि मैं जो चीज़ लाया हूँ उसके लिए रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, आई सजेस्ट के इसी में डाल देना चाहिए। अब मैं अपनी जो ग्लो टेट्रास जो ये सारी घूम रही है इनको उठा के डालूँ अपने इस बड़े डिस्कस के टैंक में और इसके अंदर मैं डालूँगा वो चीज़। तो लेट्स सी क्या है वो। भाई हम लोगों ने फैसला किया है कि हम जो लाए हैं उसको हम रखेंगे इस वाले टैंक में। तो चले इस टैंक के ऊपर काम शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं इसके अंदर दोबारा पानी डालने वाला हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो चीज़ लेकर आया उसको उसके लिए इतना पानी ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत है उसके लिए पानी। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पीछे के रॉक्स। तो शायद आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या लेकर आया हूँ। हमारा टैंक रेडी हो चुका है, फिशेज इसमें से निकाल दिए मैंने। तो चलिए हमारा जो नया मेहमान है उनको इसमें डालते हैं। खैर मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैं लेके क्या आया हूँ, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। कैसा दिया? ये है आपका रेड टेबल क्रैब और ये मुझे इंतहाई खूबसूरत लगा और मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पसंद आया कि मैं इतने सारे ले आया। और दूसरा मेरे पास ये जो मैं लेकर आया हूँ ये है, ये दूसरा है बार्टिक क्रैब। तो चलें इसको टैंक में डालते हैं और देखते हैं कि अब ये लोग कैसे लग रहे हैं। क्या तुम लोग तैयार हो टैंक में जाने के लिए? तो सबसे पहले हम डालेंगे इस वाले को, ये रेड टेबल को, ठीक है। और ये जो है ये मेल है, इसके अगर आप क्लॉज देखें जो इसके हाथ होते हैं वो फीमेल के मुकाबले बड़े होते हैं और ये मेल है। तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे। चलो बाहर निकलो, चलो चलो चलो, गुड बॉय। और दूसरे नंबर पे हम इसको डालेंगे, ये फीमेल है और ये बॉक्स में उल्टी होके बैठी हुई है। अच्छा फीमेल है तो आप इसके देखें कि इसके जो क्लॉज हैं वो काफ़ी छोटे हैं और इनका जो ये एब्डोमेन का पोर्शन होता है में भी डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो पहले इसको डाल देते हैं फिर दिखाता हूँ। तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तुम्हें नीचे तड़ना है। इधर इधर, हाँ इधर। अरे ये मेरे हाथ पे चिपक गया, इसको बिल्कुल, हाँ ये मुझे काट रहा है। खैर जाओ, सॉरी wasn't my fault. अच्छा तीसरे नंबर पे ये एक और हमारी फीमेल है और फीमेल का एब्डोमेन आप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है प्रॉपर राउंड शेप है, ठीक है। और अगर हम मेल का देखते हैं नीचे का एब्डोमिनल शेप तो आपको नज़र आ रहा हो शायद, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा फोकस में आउट कर रहा है। एक तो इसके क्लॉज
जो आपको बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे, ये जग्गू दादा, ये जग्गू दादा है। दूसरा इसके जो एब्डोमेन है, इसमें देखें एक सेंटर के अंदर एक प्रॉपर पूरा राउंड शेप में नहीं है, एक छोटा सा क्या कहेंगे इसका, छोटा सा कवर है। बेसिकली फीमेल्स में भी कवर ही होता है ये, बट इसका साइज़ बड़ा इसलिए होता है ताकि ये अपने बच्चों को इसमें कैरी कर सके। ये आपकी छोटी सी फीमेल। रेड डेविल का ये लास्ट मेल, इसको भी हम डालते हैं। एक्चुअली मैं दो पेयर लेके आया था, एक मेल और सॉरी दो फीमेल और दो मेल, तो एक मेल तो मैंने सबसे पहले डाल दिया था और दोनों फीमेल्स ही मैंने डाल दी हैं। अभी आखिरी जो मेल बचा है, सॉरी मैं इसको अगर फोकस करने की कोशिश करूँ लाइट में आके, इसको इस लाइट में देखना चाहिए। नहीं, इस वाले टैंक में तुमने नहीं जाना, ये टैंक बहुत गहरा है तो इसे डूब जाओगे, तो मुझे इसको जल्द डाल देना चाहिए कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अगर ये गिर गया तो इनके सॉरी और वही हुआ है, गुड लगे कि ये पानी में गिरा, क्योंकि अगर ये नॉर्मली अगर मेरे हाथ से फ्लोर पे गिर जाता तो इनके क्लॉज और फीट्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं तो उनके टूटने का ख़तरा होता है। एनीवेज सारे छुप गए हैं, कोई एक भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, और इनके ये प्रिकॉशंस हैं कि जब भी आप इनको रखें तो इनको बहुत ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस चाहिए होती है। ये मुझे एक छोटा सा कोने में बैठा हुआ एक नज़र आया, उम्मीद करता आपको भी नज़र आ रहा होगा। नाउ अब बारी है पार्टी क्रैब्स की। पार्टी क्रैब्स में ये रहा मेल, सेम थिंग, ह्यूज क्लॉज और नीचे का शेप भी आपको नीचे का शेप भी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो फोकस कैमरा मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे अब नया कैमरा ले लेना चाहिए। एनी हाउ, और ये फीमेल के क्लॉज छोटे छोटे से, मासूम से, सॉरी वंस अगेन, फीमेल के क्लॉज ये रहे मासूम से, छोटे से, इतने छोटे के नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो ये अब इनके प्रॉपर कलर्स आप देख सकते हैं, ये मार्बल बार्टिक क्रैब होते हैं। ये फीमेल है तो इसके हाथ थोड़े छोटे से हैं, तो अब फीमेल को हमने खोल लिया तो पहले फीमेल को ही टैंक में डाल देते हैं। चलो गुड गर्ल। ओ माय गॉड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे टैंक में इतना प्यारा लगेगा। ये भी छुप गया, मुझे क्योंकि सबने कहा था कि रेड डेविल ज़्यादा खूबसूरत है उसामा, ये बार्टी क्रैब खास लोगों को नहीं लगे थे, बट मुझे तो कुछ एक्सप्लोर करना होता है, कुछ यूनिक से आइटम्स में टैंक में अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और नॉर्मली बार्टी क्रैब थोड़े से मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिले बनिस्बत रेड डेविल क्रैब्स के। मेल भागना नहीं, मैं तुम्हें लाइट में दिखा रहा हूँ सब लोगों को, और तुम्हारे ये बड़े बड़े हाथ जिनसे तुम मुझे काट लोगे, खैर मेरा कटवाने का मूड नहीं हो रहा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे काटने से मेरा तो कोई नुकसान नहीं होना, बट तुम्हें काफ़ी नुकसान हो जाना है अगर तुम गिर गए तो तुम्हें हम छोड़ते हैं तुम्हारे से कलर के पत्थर में। जा चलो, ये ओ ये इसके हाथ देखे आप, इसकी बॉडी से ज़्यादा बड़े इसके हाथ हैं, और ये मैं सच बता मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतने प्यारे लगेंगे, लेकिन आप देखें ये स्टोन के अंदर कैमोफ्लाश हो गया। ओह
such a beauty. Lovely, isn't it? चलो शुक्र है तुम जाके छुप नहीं गए पौरन। आखिरी जो हमारा बच्चा है ये मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल गया और उसका रीज़न मैं आपको बताऊं। तो ये भी मेल है और ये मुझे डिस्काउंट पे इसलिए मिल गया है कि अगर आप देखें तो इसका आपको एक क्लॉज नज़र आएगा, दूसरा नहीं है। ये जब इम्पोर्ट आती है तो अक्सर जो है ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं। खैर कुछ कर नहीं सकते इन लोगों का, ये हमेशा का है, कुछ ना कुछ डैमेज ले आते हैं ये। तो इसको भी अब डाल देते हैं, हमें इसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। वैसे बेचारा ना जाने किस तकलीफ में। गो ऑन लिटिल बॉय, गो ऑन। निकलो, जाओ। पसंद आ गया क्या तुम्हें डब्बा? ये ओ कहाँ जाना चाह रहे हो तुम भी छुपना नहीं चाह रहे कहीं? एक ये रहा और तीसरा कहीं छुप गया। एनीहाउ रेड टेबल आइए आ गया। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये तीन बाटिक क्रैब्स हैं और रेड डेविल तो खैर कहीं छुप के गुम हो गए। एक्चुअली में जो सैंड है, सैंड नहीं, बेसिकली ये जो ग्रेवल्स हैं ये भी थोड़े से रेड डेविल के कलर से मैच हो गए। एनीहाउ लेट्स सी कि इनके क्या रिव्यूज रहते हैं। आपको पीछे बबल की आवाज़ आ रही है, वो मैंने इस फिल्टर को बंद करना भूल गया, उसी में से आवाज़ आ रही है। रेड डेविल मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम छुप नहीं सकते ज़्यादा मुझसे। खैर एनीहाउ तो टैंक इनका ये रेडी हो चुका है और इसमें मुझे इस वक्त ये छोटा सा नज़र आ रहा है जो शायद शीशे की गंदगी से आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, और इस वक्त सिर्फ मुझे यही नज़र आ रहा है। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जो नए क्रैब्स हैं वो काफ़ी पसंद आए होंगे। मुझे तो पंखा भी साफ कर लेना चाहिए, बहुत गंदा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे क्रैब्स पसंद आए होंगे और आज पहला दिन है तो कुछ दिन बाद मैं आपको रिव्यूज़ दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनके डाइट के हवाले से बताऊँगा और मेल फीमेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेट्स सी अगली वीडियो में मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो एक टैंक मेरा ये है, इसके अंदर मैंने कुछ गप्पी ग्रास डाली है क्योंकि सकते हैं तो ये एक छोटा सा अल्बाइनो गप्पी का बेबी है, तो मैंने इसके लिए ये गप्पी ग्रास ऐड कर दी है कि ये इसमें कहीं छुप सके अगर इसको हाइडिंग प्लेस की ज़रूरत हो। मैंने कोई ब्रीडिंग नहीं करवाई तो आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ टू हैंडल बेबीज। तो एक एक्सपीरियंस के तौर पे ये एक बेबी जो है मैं ले आया, मैंने कहा लेट्स सी इसे सर्वाइव करता है नहीं करता और प्रॉपर इनकी केयर कर रहा हूँ। खैर आज तो पहला दिन है, क्रैब्स के साथ ही लेकर आया और इसके साथ जो है वो मौजूद है आई डोंट नो कहाँ गई। हाँ ये रही, ये एक हिल स्ट्रीम का पेयर है मेरे पास, तो ये तंग नहीं करते ज़्यादा, बच्चों को बच्चे सेफ रहते हैं इनके साथ। तो इस बच्चे को भी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका भी रिव्यू दूंगा। लेट्स सी ये कितना बड़ा हो सकता है और होता भी है कि नहीं होता। चलो भाई फाइनली इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही जो हर कोई चाहता है। एनीहाउ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।